हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू बिलीव इन लर्निंग। यूपी बोर्ड की तरफ से जैसा कि कल ऑफिशियल नोटिफिकेशन आया था, जिसके बाद काफ़ी लोग खुश नहीं थे, कमेंट बॉक्स में देखा गया था। देखिए, जो भी आता है फैक्ट बताया जाता है। जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन आई थी वही आपको बताई गई थी। ऑफिशियल नोटिफिकेशन में साफ साफ मेंशन था कि जो भी बच्चे अपने रिजल्ट से खुश नहीं हैं, उनमें सभी बच्चों को रखा गया था। आप फिर चाहे प्रमोटेड हो, आप एब्सेंट हो, आपके रिजल्ट में विदहेल्ड है, आपने प्रैक्टिकल नहीं दे पाए, आपके मार्क्स अच्छे नहीं आए, उन सभी बच्चे, वो सभी बच्चे चाहें तो री एग्ज़ाम दे सकते हैं। कल के पीडीएफ में ये बात मेंशन कर दी गई थी कि आप कुछ भी हो, आपका प्रमोटेड है, एब्सेंट है, विदहेल्ड है, जैसा भी कंडीशन है, आप अगर चाहें, ये आपके ऊपर है, ये कंपलसरी नहीं है, ये ज़बरदस्ती नहीं, अगर आप चाहें तो री एग्ज़ाम दे सकते हैं। कल के पीडीएफ में ये भी था कि आगामी परीक्षा में आपके पेपर कराए जाएंगे, लेकिन अब उन पेपर्स को जो 2022 में होने थे, अब उन पेपर्स को यूपी बोर्ड ने काफ़ी अच्छी न्यूज़ आपके लिए दे रखी है। काफ़ी अच्छी अपडेट आई यूपी बोर्ड की तरफ से कि यूपी बोर्ड ने आपके एग्ज़ाम्स सितंबर मंथ में ही कराने का निर्णय लिया है। 18 सितंबर से 6 अक्टूबर के बीच में 10th और 12th के बच्चों के एग्ज़ाम होंगे, जो री एग्ज़ाम देना चाहते हैं। आपको कल ही बता दिया गया था कि आप लोग अपना फॉर्म फिल करके प्रधानाचार्य को सबमिट कर दें। प्रधानाचार्य 29 तारीख 12 बजे तक ऑफिशियल वेबसाइट पर उसे अपलोड कर देंगे, फिर उन बच्चों के एग्ज़ाम्स होंगे। जो भी बच्चे अपने रिजल्ट से खुश नहीं हैं, वो चाहते हैं कि हम री एग्ज़ाम दें, तो उन्हें 18 सितंबर से लेकर 6 अक्टूबर के बीच में आपके एग्ज़ाम होंगे। 12 दिन चलेंगे 10th के पेपर, 15 दिन चलेंगे इंटर के पेपर। वो बच्चे भी फॉर्म भर सकते हैं जिन्हें प्रैक्टिकल नहीं दिया, तो वो प्रैक्टिकल दे दें अपने। जो भी आपका फाइनल रिजल्ट आएगा, सितंबर के लास्ट में ही आपका रिजल्ट, अक्टूबर के लास्ट में ही आपका रिजल्ट भी निकाल दिया जाएगा। 6 अक्टूबर को आपके पेपर ख़त्म होंगे, 6 अक्टूबर के बाद ही आपका रिजल्ट भी उसी महीने के अंत में निकाल दिया जाएगा। जो आपका रिजल्ट होगा वही मान्य होगा। प्रैक्टिकल के मार्क्स जो पुराने स्कूल की तरफ से दिए गए वही जोड़े जाएंगे, लेकिन जो फाइनल रिटर्न आप एग्ज़ाम दोगे उसमें जितने मार्क्स आएंगे वही आपका मान्य होगा। जो 31 जुलाई 2021 को आया था फिर वो मान्य नहीं होगा। जो आप रिटर्न एग्ज़ाम देंगे 18 से लेकर 6 अक्टूबर के बीच में, वही रिजल्ट मान्य होगा। साथ ही साथ जो पेपर है वो 3 घंटे से घटा के 2 घंटे कर दिया गया है। पेपर आपका 2 घंटे का चलेगा, एक सुबह की शिफ्ट में, एक शाम की शिफ्ट में, 12 दिन 10th का और 15 दिन इंटर का। साथ ही साथ जो है पेपर की जो लेंथ है, जो ड्यूरेशन है, वो भी कम कर दी गई, 3 से 2 घंटे, प्लस जो क्वेश्चंस है वो भी कम करे जाएंगे, वो उसी हिसाब से रखे जाएंगे कि बच्चों के पास 1 महीने का समय है, उस 1 महीने में बच्चों को पेपर के लिए तैयारी करनी है। कि आप अपनी तैयारी कर सके, तो उसी हिसाब से पेपर की लेंथ रखी गई है, 3 से घटा के 2 घंटे कर दिया गया है। एक चीज़ अब हमारा प्रमोटेड है, हमारा एब्सेंट है, हमारा विदहेल्ड है, हमने तो कंप्लेन करी थी, स्कूल वालों ने कंप्लेन करी थी। देखिए, आपका जो रिजल्ट जैसा बताया गया है, वो ये बताया गया एक्सपेक्टेड है कि 30 अगस्त तक आपका रिजल्ट सही होकर आ सकता है। अगर रिजल्ट सही होना है तो 30 अगस्त तक आपका रिजल्ट सही होकर आ सकता है, और 27 अगस्त आखिरी डेट है फॉर्म फिल करने की। तो आप लोग चाहें तो अपना फॉर्म फिल कर सकते हैं, ताकि आपके पास बैकअप प्लान तैयार रहे कि इन केस अगर आपका रिजल्ट सही होकर नहीं आता, तो कम से कम वो पेपर दे के आप अपने मार्क्स पा सकें। और अगर आपका रिजल्ट सही होकर आ गया तब तो कोई बात ही नहीं। 27 अगस्त आखिरी डेट है, 27 अगस्त तक आपको फॉर्म फिल करना है और जाके अपने प्रिंसिपल को जमा करना है। 18 सितंबर से लेकर 6 अक्टूबर के बीच में पेपर चलेंगे, पेपर इजी आएगा, पेपर के क्वेश्चंस को कम करा जाएगा, पेपर की ड्यूरेशन 3 से 2 घंटे कर दी गई है। तो जो बच्चे चाहें, जो बच्चे इंटरेस्टेड हैं, आप चाहे विदहेल्ड वाले हों, प्रमोटेड हों, एब्सेंट हों, मार्क कम है, जो बच्चे इंटरेस्टेड हो, जबरदस्ती कोई नहीं, जो बच्चे इंटरेस्टेड हों वो फॉर्म फिल करके पेपर अपना दे सकते हैं, उसकी तैयारी शुरू कर सकते हैं। प्लस बताया गया है कि देखिए, बोर्ड की तरफ से नहीं बताया गया, स्कूल्स वाले उन्हें बताया है, जितने स्कूल से कॉन्टैक्ट है उनसे बात की गई, उनके अनुसार विदहेल्ड, प्रमोटेड, एब्सेंट का रिजल्ट अगर सही होकर आएगा तो आखिरी महीने तक मिलेगा, 30 अगस्त से पहले पहले मिलेगा। तो आपके लिए यही एक अपडेट देनी है कि सजेशन देना कि आप फॉर्म फिल कर दीजिए,
क्योंकि आप उस चक्कर में मत पड़े रहिए कि देखो हमारा तो एबसेंट हट जाएगा। इन केस अगर एबसेंट नहीं हटा और 27 अगर लास्ट डेट भी निकल गई तब क्या करोगे? तब आप ही तो प्रॉब्लम में फंसेंगे। देखो बोर्ड की गलती थी कि स्कूल वालों की गलती थी, उसके बीच में पिस रहे हो आप, इसलिए बोर्ड ने मौका दिया है तो उसको पूरा फुलफिल, उसको आप मौका उठाओ, पे फॉर्म भर दो, रिजल्ट सही होकर आ गया तो पेपर मत देना, कैंसिल करा देना, बात खत्म। लेकिन अगर नहीं सही आया, उधर डेट भी निकल गई, तब क्या होगा? इसलिए 18 सितंबर से 6 अक्टूबर के बीच में पेपर हैं, आप पेपर के लिए तैयारी कीजिए। जैसा भी है पीसीएम पीसीबी कॉमर्स सभी क्लासेस यहाँ पर प्रोवाइड करी जाएंगी। एक महीने का टारगेट रहेगा आपके माँ, जो भी बच्चे पेपर देना चाहते हैं उनके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट क्लासेस चलेंगी। तो यही आपको एक छोटी सी ऑफिशियल नोटिफिकेशन थी, वही लेकर आए थे। ऑफिशियल जब तक नहीं आती तब तक ये अपडेट लेकर नहीं आते। बहकाना उद्देश्य हमारा नहीं है, आपको गलत राह दिखाना हमारा उद्देश्य नहीं है। जब तक कुछ ऑफिशियल नहीं आता है तब तक आपको हम अपडेट नहीं देते हैं। बस कीप अपना सपोर्ट करते रहिए। टिल देन कीप लर्निंग विद बिलीव इन लर्निंग। थैंक यू सो मच।